राजस्थान के लोगों को रेलवे द्वारा बड़ी सौगात दी गई, जिसकी आस लोग वर्षों से लगाए हुए थे। दौसा के लालसोट ग्राम पंचायत इंदावा अरावली पर्वतमाला पहाड़ियों से प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई। इसकी लंबाई 2300 मीटर है। इस रेलवे सुरंग पर रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ इंजन की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रेलवे स्टेशन के लिए इंजन को रवाना किया। दोपहर 3:15 बजे रेलवे स्टेशन लालसोट से डिडवाना के लिए 120 की स्पीड से रेल इंजन दौड़ाकर ट्रायल किया गया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर कृष्ण जेलिये ने बताया कि 2.5 दशक से लंबित दौसा गंगापुर सिटी रेल परियोजना का काम पूरा हुआ। इसके बाद रेलवे इसी महीने पूरे ट्रैक आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले रेल का नियमित संचालन शुरू करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि बीते 2.5 दशक से रेल की राह देख रहे क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक बड़ा उपहार होगा। इसके बाद लालगोट देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई बड़े शहरों से सीधे रेल संपर्क से जुड़ेगा। दौसा गंगापुर रेल परियोजना का कार्य पूरा होने पर उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा रविवार को फुल स्पीड में रेल इंजन का ट्रायल हुआ, जिसमें लालसोट रेलवे स्टेशन से रेल इंजन शुरू होकर पहाड़ों के बीच में बनी 2300 मीटर रेलवे सुरंग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्राम पंचायत इंदावा में बनी सुरंग में घुसा। दौसा गंगापुर सिटी रेल परियोजना पर लालसोट के डिडवाना इंदावा के बीच मौजूद पहाड़ पर प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग का निर्माण हुआ है। 2300 मीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण रेलवे अधिकारियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में हुई भारी बारिश के बाद में सुरंग में पानी भरने और कई बार संवेदक द्वारा कार्य छोड़कर चले जाने के कारण रेलवे सुरंग का निर्माण बंद रहा। वहीं सुरंग में ब्लास्ट लेस बिछाया गया एवं सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है। 2300 मीटर लंबी सुरंग से इंजन चलाकर देखने के समय दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे और लालसोट में रेल पटरी पर दौड़ते हुए इंजन का वीडियो बनाते भी नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।